अरे अरे परेशान ना करिए आप, थोड़ी सी एक से भाई से भाई से भाई से भाई से भाई से ये रूप क्यों धारण किया हुआ है आपने, किसके लिए? मैं अपने पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से अपने जनताओं के लिए कार्य करते थे उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, अपने जनताओं के लिए करते हैं, अपने जन जन कण कण के लिए करते हैं, धरती से लेकर आसमान तक करते हैं, जंगल से लेकर मंगल तक करते हैं। और आज आज जो है मेरे देश में गरीब घर में जन्म लेने वाले देश के प्रधानमंत्री बने हैं। गरीबी क्या चीज होता है इनसे बढ़ के कोई नहीं जानेगा। और गरीब जब प्रधानमंत्री बने हैं तो गरीब लोग कहे हैं जो नहीं गरीबी दूर जरूर करेंगे। धीरे धीरे जो है आज हमारे देश के जितने भी पहले जो गरीब के लिए योजना होती थी सब वंचित रह जाते थे, इनके आने के बाद गरीब को इतना लाभान्वित होता है जो कभी नहीं हुआ है और ना होगा। अच्छा इतना बोझ आप बनके हनुमान बने हुए हैं, इतना प्रेम है मोदी जी से है? क्योंकि वो कार्य करते हैं गरीबों के लिए करते हैं, अपने चचा चाची मामा मामी दादा दादी मौसा मौसी नाना नानी के लिए नहीं, अपने देश के जनताओं के लिए करते हैं। इसीलिए मैं बना हूँ, अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन देश के लिए कोई कोई करते हैं। और बीजेपी की सरकार आने के बाद रमन चमन हो गया हमारे देश में, इसीलिए मैं हनुमान का रूप धारण करके आया हूँ। जय हिंद जय भारत। अच्छा हनुमान जी जो थे राम के प्रिय भक्त थे, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। मैं तो शिलान्यास में गया, मैं भूमि पूजन में भी गया था और मैं प्राण प्रतिष्ठान में मैं जाऊंगा। और ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री ना मिले हैं ना मिलेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो सपना था 21वीं सदी भारत का होगा वो छोड़ के चले गए कह के उसके बाद कार्य किए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे जो बच गया वो मेरे श्री राम कर रहे हैं और जम के कर रहे हैं, जनताओं के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, जन जन कण कण के लिए कर रहे हैं। और आज हमारे गरीब जो वस्त्र पहनते हैं इस मौज से खाते हैं और कार्य करते हैं, संसाधन मुहैया है अवेलेबल है वो आज तक नहीं कभी हुआ था। और वो कर दिखाए हैं जो विदेशों में जब जाते हैं विश्व गुरु बन जाते हैं, कोई विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनका नजर से ओझिल हो जाते हैं तो उनके नज़र में बोझिल हो जाता है, वो दौड़ के जो है आते हैं बोलते हैं हमको भूल गए क्या, कहते ओ आ गले लग जाओ। जो हमारे देश को हमारे देश के नागरिकों को देखना पसंद नहीं करता था वो अब नेतृत्व करते हैं और आके गले मिलते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं भारत से आया हूँ, मैं भारतीय हूँ। कल कह रहे ये भारतीय जो विश्व गुरु बन गए हैं और पूरे विश्व में काबिज हो गए हैं। आज विश्व की कोई भी विकास विकसित देश इनसे कुछ भी बोलने में सहम जाते हैं, सोते हैं नहीं, विकासशील अब विकसित होने जा रही है। वो कर दिखाए हैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जो गरीबों के मसीहा है, जो दलितों के मसीहा है, जो आदिवासी के मसीहा है, जो ओबीसी की मसीहा है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के पद्धति पर आज चल पड़े हैं। हमारा देश बीजेपी के रीजन में जो हुआ है वो आज कभी नहीं हुआ है, सिर्फ देश के लिए करते हैं, देश के गरीब जनताओं के लिए करते हैं। जय हिंद जय भारत।